गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग टुडे। आज है 13 अप्रैल। हैप्पी गुडी पड़वा टू ऑल दोज हु आर माय महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो। तो आज के दिन में हम देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है और नीचे की ओर आता हुआ और यहाँ पर 14,300 का पुट कॉल, सॉरी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं निफ्टी जिसने अपना बुलिश व्यू दिख रहा है यहाँ पर, अंटिल एंड अनलेस इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर सस्टेन नहीं होने की वजह से हमने 14,300 का जो कॉल है उसको अभी कैंसिल कर दिया है। आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो। और अभी तक कोई पोजीशन हमने क्रिएट नहीं की है। सो लेट्स सी निफ्टी में क्या पोजीशन बनती है।
ये ऑर्डर भी इसने रिजेक्ट कर दिया है। और हमने 110.30 पे लिया और 118.50 पे इसको एग्जिट कर दिया। और आप क्लियरली देख रहे हो अभी भी इसमें अपवर्ड मोमेंटम हो रहा है। इसने अपना हाई बना दिया है 130-134 का। और हमने आज का प्रॉफिट बुक किया है 1230 रुपये। यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर बुक में लेना चाहूँगा। यहाँ पर ये कंफर्मेशन के बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो जैसे ही निफ्टी 14,300 के आसपास आया तो हमने अपना ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था। यहाँ पर हमारे 3 लॉट हमने लेने के ट्राई किए, लेकिन आप देख सकते हो इनसफिशिएंट फंड की वजह से वो भी सिर्फ 50 रुपये कम पड़ रहे थे। अदरवाइज वी वुड हैव बीन प्रॉफिटेबल मच मोर। और आज के दिन में हमने जो पॉइंट्स अर्न किए हैं वो 8.5 पॉइंट के आसपास अर्न किए। 110.30 पे हमने लिया और 118.50 पे निकल दिया। और आप देख सकते हो उसके बाद क्या मोमेंटम हुआ है। 123 से वो सीधा नीचे आ गया है 94.9 पे, बिकॉज निफ्टी ने 14,300 से अपना सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की ओर मोमेंटम कर रहा है। अभी उसने अपना लो बनाया था 14,277 का। मैं आपको निफ्टी के चार्ट में ले चलता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली हमने ये जो 2 लाइनें ड्रॉ की हुई है इसकी वजह से, और आज गुड़ी पड़वा है तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में भी रह सकता है, बिकॉज आज देख सकते हो आप पर्टिकुलरली किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दिया है। और मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि 14,300 के कॉल में अगर हमने एंट्री की होती तो इसमें भी हमें नीचे की ओर सपोर्ट एरिया से, मतलब 112 से 155 का हाई इसने अपना लगा दिया है, जो कि एक अच्छा मूव है 40 पॉइंट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन आज निफ्टी 14,250 से लेके 14,400 के बीच में ट्रेड होता हुआ हमें दिख सकता है। सो आज का जो हमारा ब्रोकरेज है वो कितना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हम जाएंगे। और पावर कट ऑफ की वजह से नेट चला गया है। कनेक्ट हो चुका। और यहाँ पर जाकर हम देखेंगे हमारा 1230 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से यहाँ पर हमें जो लगेगा ब्रोकरेज वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से।
110.30 पे हमने बाय किया था और 118.50 पे हमने सेल किया, और दो लॉट पे हमने काम किया था। तो मैं ये एक लॉट ऐड किया और ये दूसरा लॉट ऐड किया, तो ओवरऑल आप देख सकते हो 1230 रुपये का हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से 124 रुपीस कट ऑफ हो जाएंगे और नेट प्रॉफिट जो बचेगा वो आएगा 1105.62 और ये हमारे ब्रोकरेज रहेगी, एसटीटी वगैरह जो भी चार्जेस है वो रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एनालिसिस स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस हमारा ब्लॉग है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको अपना सिर्फ एक ईमेल आईडी उधर डालना है और डेली जो भी स्टॉक्स एनालिसिस के लिए होंगे वो आपको ईमेल में मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाएंगे, जिसमें हम स्टडी पर्पज़ से बाय अबो और सेल बिलो के लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैप्पी गुडी पड़वा टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग। आने वाला नया साल आपके ट्रेडिंग में चार चांद लगा दे और सक्सेस दे, ऐसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।